सर रेटिंग पे लिखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। नाउ सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को जानने से पहले समझते हैं गुडविल क्या है। कौन बताएगा गुडविल क्या होता है? बोलिए गुडविल क्या है, गुडविल क्या है बोलिए। प्रोटोकॉल का मतलब गुडविल कहां से होता है? ऐसा थोड़ी ना होता। देखिए मीनिंग ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल इट्स एक्चुअल में ब्रांड वैल्यू। क्या बताइए? ब्रांड वैल्यू। एक ब्रांड वैल्यू होता है जिसके अगेंस्ट में कंपनी कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कंपनी कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। That is what goodwill means. Goodwill का मतलब respect. क्या बोल सकते हैं आप? Respect in terms of monetary value. कौन सा value? Monetary value. जिसके against में company क्या करती है? Extra profit earn करती है. Take the example, एक brand हो गया, right? Apple. 1.5 लाख का भी फोन रहता है तो लोग खरीदते हैं। EMI चाहे जितना भी कर ले, EMI जितना भी कर ले, लेकिन 1.5 लाख का फोन कभी भी लाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। रीजन क्या है? उसका ब्रांड वैल्यू उस लेवल का अभी तक नहीं पहुंचा। तो हर एक कंपनी का एक अपना अपना गुडविल होता है, ब्रांड वैल्यू होता है। अगर एमआई का नाम आता है तो कहीं ना कहीं चाइनीज माइंड पे आता है चीप फोन, अच्छा क्वालिटी कम दम दाम में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब एप्पल का माइंड में आता है तो भैया एक्सपेंसिव, राइट। तो जो एक्सपेंसिव लोग हैं केवल वही अफोर्ड कर पाएंगे एप्पल फोन, राइट। तो वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है गुडविल यहाँ पे। तो जिसके अगेंस्ट में कंपनी क्या करती है सर? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकती है बिजनेस के लिए। नाउ गुडविल कितना तरह का होता है? गुडविल अपने को निकालना क्यों है? गुडविल निकालना इसलिए, ये अपने लोग पार्टनरशिप का चैप्टर में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में गुडविल काफी इंपॉर्टेंट है। गुडविल क्या होता है? सपोज कि दो पार्टनर है, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगर ग्रास रूट से स्टार्ट कर रहा है, अभी से स्टार्ट कर रहा है, तो लोगों का कोई गुडविल नहीं है। एक साल काम करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, रिलेशन डेवलप करेगा, दो साल काम करेगा, क्रेडिटर है, डेटर है, डेटर और क्रेडिटर के साथ रिलेशन होगा, क्रेडिटर उसको माल उधार में देना चालू करेगा, बिजनेस का टर्नओवर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो बैंक में ओडी फैसिलिटी मिलेगा, सीसी मिलेगा, बैंक वाला उसको लोन देगा, है ना। कस्टमर टाइमली अगर पेमेंट करता है तो सप्लायर उसको उधार में देता है पैसा। इस तरह से कर करके उसका बिजनेस का क्रेडिट वर्दिनेस होता है। क्या होता है? क्रेडिट वर्दिनेस दिया जाता है, क्रेडिट कैपेबिलिटी दिया जाता है, डिपेंड ऑन योर गुडविल। आपका गुडविल कैसा है, रेस्पेक्ट कैसा है, गुडविल दैट इज मीन बिजनेस के लिए कमिटमेंट, उसका वैल्यू क्या है। तो गुडविल ऐसा नहीं कि एप्पल आईफोन अभी एकदम सॉलिड हो गया, नहीं भाई, उसके पीछे उसका पास क्या है, मेहनत है। कोई भी कंपनी का गुडविल क्रिएट होता है दो तरह से, एक या तो परचेस गुडविल होता है, कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका गुडविल ऑलरेडी मार्केट में क्रिएटेड है, कोई बड़ी मछली, कोई बड़ी कंपनी उसको परचेस कर ली है। तो एक होता है परचेज गुडविल, एक्वायर्ड गुडविल, जो ज्यादा नई नई कंपनी करती है जिसके पास पैसे। अब जैसे अदानी बहुत पैसा वाला है, राइट, लेकिन वो रियल इस्टेट में नहीं है, वो आईटी सेक्टर में नहीं है। अदानी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, पोर्ट वगैरह ये सारा में राजा है, आईटी कंपनी उसका उतना स्ट्रांग नहीं है। अब वो चाहता है कि भैया कोई मेरे को आईटी कंपनी उतरना है, मेरे को आईटी कंपनी में आना, तो क्या करेगा? अब वो खुद से अगर गुडविल क्रिएट करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या करता है सर? वो ऑलरेडी जो बिजनेस क्रिएटेड है उसका गुडविल बाय करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस का पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। ये गुडविल का बात इसलिए होता है कि पार्टनर लोग साथ मिलकर काम करता है, 3 साल 5 साल 10 साल के बाद में उसका फर्म पे गुडविल क्रिएट होता है, एक वैल्यू क्रिएट हो गया, राइट।
आप कोई भी अगर नया पार्टनर अगर ज्वाइन करना चाहेगा एग्जिस्टिंग फर्म पे, जो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश फर्म हो गया, फर्म का एक ऑलरेडी रेपुटेशन बन गया, उस वक्त अगर कोई पार्टनर आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना पड़ेगा। जो पार्टनर 90,000 का, मान लो कि 90 लाख का प्रॉफिट होता था, तीन पार्टनर था, ये मान लो दो पार्टनर था तो 45-45 करता था, अभी तीन पार्टनर आ गया तो प्रॉफिट क्या होगा? 30-30 होगा ना। तो जो दो पार्टनर एग्जिस्टिंग है उन लोग अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। अपना प्रॉफिट को काट के किसको देगा? नया पार्टनर का शेयर के लिए बनाएगा हिस्सा, तो भाई वो पार्टनर अगेंस्ट में क्या लेगा? अगेंस्ट में गुडविल का पैसा लेता है। हम जो फर्म को इतना साल से डेवलप किए हैं, 10 साल 5 साल इतना साल तक डेवलप किए हैं, अगर कोई नया बंदा आके ज्वाइन करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? गुडविल देना पड़ेगा सर, उसको मेरा बिजनेस का गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ग्रास रूट से आता, कुछ नहीं था, ग्रास से स्टार्ट किए, नीचे से स्टार्ट किए, तो कोई गुडविल नहीं होता। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर कोई ऐसा पार्टनर बनेगा तो उसको दो चीज लाना होगा, एक या तो कैपिटल लाएगा और या तो एक गुडविल लाएगा, दैट इज गुडविल का अगेंस्ट पे प्रीमियम लाएगा, वो अपने लोग करेंगे चैप्टर पे। बट अभी हमें वो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, ठीक है? तो गुडविल का यहां पर वैल्यूएशन करने के लिए, समझना पड़ेगा कि दो तरह का गुडविल होता है। एक होता है परचेज गुडविल, क्या होता है सर? एक होता है परचेज गुडविल, ये परचेज गुडविल अपने इशू ऑफ शेयर्स में सीख चुके हैं, रिमेम्बर इशू ऑफ शेयर्स में याद है, अदर देन कैश में सीखे थे, परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो मेरा परचेज हो रहा था वही एक्चुअल में क्या था? गुडविल था, बैलेंसिंग फिगर जो हमारा आता था। तो परचेस गुडविल का फॉर्मूला क्या है? यहां पे गुडविल का वैल्यूएशन होती है, दैट इज परचेस कंसिडरेशन, क्या बताइए? परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स, याद आया? और नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। हम किसी कंपनी को बाई कर रहे हैं तो बाई करेंगे तो एक्चुअल में क्या बाई करेंगे? उसका एसेट्स बाई करेंगे और लाइबिलिटी बाई करेंगे। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी लेस करके आता नेट लाइबिलिटी। अब बात आता है कि भैया हम उसको पैसे कितने देंगे, तो जितना हम उसको पैसा देंगे उसको क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन माइनस क्या होगा? नेट एसेट्स, ये लेस करके गुडविल आ जाता है। क्लियर है? तो ये तो परचेस गुडविल हुआ, कौन सा गुडविल हुआ? बट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, विच इज मोस्ट चैलेंजिंग। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? यही, बिकॉज इसको क्रिएट करने के लिए कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी, इसको क्रिएट करने के लिए कंपनी को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ये कंपनी खुद से ग्रोथ करता है, विच इज वेरी चैलेंजिंग। चीज समझ में आ रहा है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अपने लोग कैसे करके सीखेंगे वो अपने लोग जानते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन निकालने का, वैल्यू निकालने का दो मेथड है, ठीक है? दो मेथड है सर। एक होता है पास प्रॉफिट मेथड, एक होता है पास प्रॉफिट मेथड, ठीक है? एक होता है पास प्रॉफिट मेथड और एक होता है फ्यूचर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? फ्यूचर प्रॉफिट मेथड। एक होता है पास प्रॉफिट मेथड, एक होता है फ्यूचर प्रॉफिट मेथड, ठीक है? एक होती है सर पास प्रॉफिट मेथड और एक होता है फ्यूचर प्रॉफिट मेथड। पास प्रॉफिट मेथड और फ्यूचर प्रॉफिट मेथड। पास प्रॉफिट मेथड क्या है और फ्यूचर प्रॉफिट मेथड क्या है? समझ में आ रहा है? ये ऑन द बेसिस ऑफ उसका पास एक्टिविटीज से निकालेंगे। किसे निकालेंगे? पास एक्टिविटीज। और ये जो फ्यूचर है, ये जो मेरा गुडविल का मेथड है, ये ऑन द बेसिस ऑफ उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से निकालेंगे। किसके हिसाब से? बिकॉज गुडविल हम जो क्रिएट करेंगे वो तो आज का डेट का वैल्यू होना चाहिए, और फ्यूचर में हम अगला को, अगला से जो हम शेयर दे रहे हैं तो अगला से हम कितना पैसा लेंगे। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रॉफिट मेथड होना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है? पास में क्या किया तो भाई वो तो पास था, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उस हिसाब से करना है। लेकिन ये काफी कॉस्टली है। क्या है ये? काफी कॉस्टली मेथड है, काफी एक्सपेंसिव है। इसके लिए डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा ना सर,
फ्यूचर किसने देखा है पता है क्या? तो आपको यहां एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड, कि हम आगे कितना कमा सकते हैं। इसके लिए हर एक इनकम को एनालाइज करना होगा, हर एक खर्चा को एनालाइज करना होगा। फ्यूचर का क्या प्रोजेक्ट है, नई प्रोजेक्ट है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का क्या अपॉर्चुनिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीजों को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, कंसिडर करना होगा, विच इज वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। इसके लिए हाईली एक्सपर्ट पीपल चाहिए, है ना? इसके लिए हाईली एक्सपर्ट पीपल चाहिए, तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसका अगर मेथड जानेंगे, मतलब इसका तरीका कैसे होता है, ये होता है एक्सपेक्टेड सेल्स। क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेल्स लेस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सेल्स का मतलब क्या हो गया? एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम, और ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। प्रॉफिट एग्जैक्टली, ये लेस करके आ जाएगा सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। भाई एसी थोड़ा देर के लिए ऑन करिए। ये आ जाएगा सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड सेल से माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, नाउ गुडविल का क्या आएगा? अब यहां पे तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे, इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ, इस प्रॉफिट को हम कितने साल तक कमा सकते हैं वो मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रॉफिट को कितने साल तक कमा सकते हैं उसको अपने लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? गुडविल। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स व्हिच इज व्हाट? इक्वल टू गुडविल। ठीक है, कितना साल तक कमा सकते हैं, ये जो प्रॉफिट हम निकालें इसको कितने साल तक कमा सकते हैं, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो साल मल्टीप्लाई करना होगा। दस लाख टर्नओवर नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना साल है, मिनिमम प्रॉफिट आप कितना कमाओगे। ठीक है, अभी जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कितने साल तक आप कंटिन्यू कर पाएंगे? एग्जैक्टली, कितने साल तक आप कंटिन्यू करोगे उसी को नंबर ऑफ ईयर बोलते हैं। क्लियर है? बट हमारा जो मेथड सीखना है हमें, वो हमें क्या सीखना है? पास प्रॉफिट मेथड। ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ पास एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? पास एक्टिविटीज के बेसिस से अपने लोग निकालते हैं। ठीक है, यहां पर कितना मेथड है सर? तो मेथड आपको सीखना है, लिखे यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड आपको सीखना है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर टू, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नंबर थ्री, नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें आता है पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और नंबर बी पे आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर फोर में आता है सर एनविटी मेथड। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों सेम है। क्या है ये? एनविटी मेथड। नंबर फोर पे है सर एनविटी मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, और नंबर फोर पे है सर एनविटी मेथड। ठीक है, ये चार मेथड हमें सीखना है सर। ये चार मेथड के हिसाब से अलग अलग
वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। ठीक है, सबसे बेस कौन सा है? वो है सुपर प्रॉफिट। ये एवरेज और सुपर प्रॉफिट तब करते हैं जब नंबर ऑफ ईयर गिवन दिया रहता है। नंबर ऑफ ईयर, अगर नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं दिया रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर नंबर ऑफ ईयर गिवन दिया रहेगा तो एवरेज या तो सुपर, और अगर नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं दिया रहा तो क्या यूज करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, नाउ सर ऊपर पे लिखे क्या एक्चुअल में एनविटी यूज होना चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर जब निकालते हैं अपने लोग। डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर कंसिडर करते हैं तो फिर एनविटी मेथड में आपको निकालना होगा। ठीक है, नंबर वन पे लिखे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू होती है, गुडविल इज इक्वल टू होती है, लिखेंगे वहां पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल आपको बोलेगा उस साल मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवरेज प्रॉफिट से। अब ये सीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पास एक्टिविटीज है, कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ पास एक्टिविटीज है। पास एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? अगर 5 साल का पूरा बिजनेस आगे आपका हो चुका तो पूरा 5 साल का डेटा तो आपके पास होगा, 5 साल का प्रॉफिट लॉस तो आपके पास होगा। तो मैं क्या करूंगा, पिछला 5 साल का पूरा डेटा को निकाल के जितना साल का प्रॉफिट किया मैंने उसका क्या कर लेंगे? एवरेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एवरेज। उसी को बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स। आने वाला 3 साल मेरे को लगता है कि भैया इतना प्रॉफिट तो आना चाहिए, तो इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 साल। ये इसलिए लिया जाता है ताकि जो नया पार्टनर आएगा उसको तो हम अपने जेब से प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन उसके वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा तो नहीं ना, मेरा तो प्रॉफिट वही सेम रहेगा। अब वो एक्स्ट्रा आएगा, पोटेंशियल काम करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको अपना हिस्सा का जो अर्निंग है, जितना फर्म उसको अभी दे रहा है, अपना हिस्सा का जो अर्निंग है, जो फर्म उसको बियर कर रहा है, उसको रिकवर करके देना पड़ेगा। नहीं समझे? अभी प्रॉफिट दोनों जन मिलकर 90 लाख ला रहा है, तो अभी 2 जन पे बांटते थे, अब 3 जन आ गए तो 3 जन में बांटेगा ना भाई, इसमें उसका तो उतना मेहनत नहीं आएगा, लेकिन उसको पोटेंशियल, उसको अपना प्रॉफिट, अपना और एक्स्ट्रा अर्निंग लाने के लिए कम से कम कितना साल लगेगा? 3 साल, 5 साल। वही 5 साल को अपने लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इयर्स। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ ईयर बेसिकली क्या है? कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है सर ये नंबर ऑफ ईयर क्या है, तो बेसिकली भाई 3 जन अगर मिलके काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा, वो नया काम लाएगा, नया क्लाइंट लाएगा, नए लोग को लाएगा, तो लेकिन उसको लाने में तो टाइम लगेगा, उसको अपने एंड से जमाने में समझने में तो वक्त लगेगा ना। मान लो 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो वही 2 साल क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब वो 2 साल तक का ओल्ड पार्टनर लोग अपना प्रॉफिट का हिस्सा से काट के देगा, तो वो 2 साल का अपने लोग क्या कर लेगा? वो गुडविल का पैसा ले लेगा। तो हमें यहां पे पता करना है, हमें यहां पर बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये गिवन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये गिवन दिया रहेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब ये एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। क्या निकालना है सर? हमें बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ सर, अब ये जो एवरेज आपको प्रॉफिट निकालना है ना, ये एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्या है ये? कौन सा प्रॉफिट है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर। इसको आप एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सिंस अपने लोग कैश फ्लो किए हैं, बिजनेस में 3 तरह का एक्टिविटीज होता था, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो हम जो गुडविल निकाल रहे हैं वो तो बिजनेस का निकाल रहे हैं,
तो यहां केवल ऑपरेशन का जो मेरा प्रॉफिट आया है, जो बिजनेस करके पैसा आया, अपने को वही कंसिडर्ड करना है। इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया है वो यहां कंसिडर्ड नहीं हो, फाइनेंस करके जो भी पैसा आ रहा जा रहा है वो यहां पे कंसिडर्ड नहीं हो। तो यहां पे बेसिकली क्या है, जो बिजनेस अपना पोटेंशियल में अर्निंग किया है, जो ऑपरेशन से अर्निंग किया है, बिजनेस करके जो पैसा कमाया, हमें केवल वो प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है? प्रॉब्लम यहां ये है। लेकिन हमें पता है कि जब हम नेट प्रॉफिट का बात करेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब लेस हो जाता है, सब करते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट से जितना भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है उसको हटा देना है। समझ में आ रहा है? अगर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है तो मतलब वो ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सब क्या नॉन ऑपरेटिंग है, कभी कभी होता है, वो ऐड किया हुआ तो उसको क्या करना होगा, लेस करना होगा। लेस करके वो जो प्रॉफिट आएगी, विच इज वॉट, माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसका एवरेज लेना, आपको क्या लेना है, अगर 5 साल का है तो 5 साल का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के आपको उसका एवरेज लेना है, विच इज माई गुडविल। क्लियर है? तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम 2 साल, हम मान लो 3 साल का डेटा कर रहे हैं, ईयर 1, 2, 3, ये 3 साल का है सर, है ना। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दे रहती, क्वेश्चन में आपको गिवन दे रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या गिवन दे रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं, पैट, क्या बोलते हैं, पैट। अगर टैक्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसी को मान लेंगे, देयर इज नो टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मानेंगे। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट यहां पर बैठाएंगे सर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज क्या करना है, सबसे पहला चीज में जो टैक्स का प्रोपोर्शन है उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, ऐड टैक्स डिडक्टेड, जो भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था आप उसको वापस क्या कर दोगे सर, ऐड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको मेन बनाना है, क्वेश्चन जो आपको मेन बनाना है वो बनाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, किससे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले अपने लोग टैक्स को ऐड कर देंगे, पीबीटी। अब क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या अज्यूम करेंगे, टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? लेकिन यहां पर ऐड करने में एक थोड़ा सिचुएशन है, वो आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, अगर 100 रुपया प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स 40% बोलता है, कितना परसेंट बोलता है, तो वो 40% किस पे निकलता है, इस पे निकलता है या इस पे निकलता है, पैट पे प्रॉफिट निकलते हैं, पैट का मतलब क्या हो गया, तो टैक्स को लेस करने के बाद ना पैट आता है, तो टैक्स एक्चुअल में आप किस पे निकलते हैं, तो ये 100 है तो ये 40 है तो ये कितना होगा, तो आपको यहाँ 40 निकालना है ना। अगर यही 60 के ऊपर में 40% अप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि सही है क्या, तो 40% आपको किस में निकालना है, तो ये 100 है तो ये 40 है तो ये कितना होगा 60, तो ये टैक्स डिडक्टेड कितना है, अगर इस पे चार्ज करना होगा तो क्या चार्ज करना होगा, 40/60। अगर 30% आपको टैक्स बोलेगा तो कितना निकालिएगा, 30/70। नहीं समझ में, ये 100 है, टैक्स 30% बोला तो ये 30 लेस हुआ तो ये कितना आएगा, अब आपको फिर से 30 ऐड करना है ना सर, तो 70 के ऊपर में 30% थोड़ी ना होगा, 100 के ऊपर होना चाहिए, तो इसके ऊपर में निकालने के लिए क्या करना होगा, 30/70। अगर 20% टैक्स बोलेगा तो यहाँ क्या आएगा, 20/80, याद रहेगा पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको समझना है सर। तो टैक्स डिडक्टेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे ऊपर में जितना भी टैक्स का परसेंटेज रहेगा, ऊपर में जितना टैक्स का परसेंटेज रहेगा, नीचे में क्या करेगा, 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, पैट को। आराम से सोचिए किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पैट को। अब अगर 30% बोला तो ऊपर में 30 होगा, नीचे में 100 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा, 70। 20% होगा तो ऊपर में 20 होगा, नीचे में 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। तो 20/80, 30/70, 40/60 पैट से मारेंगे तो हमारा टैक्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में टैक्स नहीं बोला रहेगा तो क्या अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या अज्यूम करेंगे। क्लियर है?
अब ये जो प्रॉफिट है इसमें टैक्स तो अपने लोग ऐड कर दिए, लेकिन वो तमाम खर्चा सब का सब लेस हो चुका है, वो तमाम इनकम सब का सब ऐड हो चुका है, बट हमें खर्चा केवल कौन सा माइनस करना था, ऑपरेटिंग माइनस करना था, और इनकम भी कौन सा ऐड करना था, ऑपरेटिंग ऐड करना था, लेकिन यहां तो दोनों हो गए। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो सब दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड में यहां पर लिखे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर लॉसेस, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना उसको ऐड बैक कर देंगे सर। जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको ऐड बैक कर देंगे सर। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट बोले लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एनी रेक्टिफिकेशन, क्या बताइए, कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह है, कुछ एरर हो गया प्रॉफिट में, कुछ गलती वगैरह हो गया, समझ रहे हैं। हम मशीन खरीदे थे, परचेज में ऐड कर दिए, परचेज किए थे मशीन में, मतलब परचेज किए थे मशीन में ऐड कर दिए, रिपेयर किए थे, ये सारा कुछ एरर वगैरह, तो कुछ गलती वगैरह रहेगा तो उसको भी क्या कर देंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब जिस साल बोलेगा उस साल में करेंगे, मान लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तीनों में, तो तीनों में आएगा। एबनॉर्मल लॉस केवल ईयर टू में हुआ तो ईयर टू में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ईयर थ्री में किए तो ईयर थ्री में करेंगे, समझ रहे हैं। जिस साल बोलेगा उसी साल में करना पड़ेगा सर, जिस साल बोलेगा उसी साल करना पड़ेगा। लेस में क्या कर देंगे, सेम इसी तरह का इसका उल्टा क्या लेस करेंगे सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस में हो जाएगा सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्लियर है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा, इसका उल्टा देखिए क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है ना सर, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, आप नॉर्मल गेन होगा, आप नॉर्मल गेन ये मेरा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारा आइटम ऐड लेस कर देंगे सर, समझ रहे हैं। ये सारा आइटम ऐड लेस कर देने के बाद में ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले हमें निकालना है हर साल का। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें ऐड लेस हुआ हुआ है तो उसको ठीक करना है पहले, खर्चा है तो ऐड कर देंगे, इनकम है तो लेस कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर, बताइए हमें, गेन भी तो हो सकता है ना, कोई सब्सिडी वगैरह मिला है, जिस तरह से अगर आपने नॉर्मल लॉस बहुत ज्यादा एज्यूम कर लिया तो कुछ माल आपके पास एक्स्ट्रा वापस आ जाता है ना, इसको आप नॉर्मल गेन बोलते हैं, ठीक है, हो गया। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल लिए, अब क्या करना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है सर, एवरेज, क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है, एवरेजिंग करना है। 3 साल है मेरे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल लिए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद में अब इसका पार्ट क्या करना है सर, एवरेजिंग करना है, हमें एवरेज निकालना है सर, हमें एवरेज निकालना है सर, देखिए यहां पे हमें एवरेज निकालना है सर। अब ना एवरेज कैसे करके निकालेंगे, एवरेज कैसे करके निकालते हैं सर, तो यहां पे याद रखिएगा दो तरह का एवरेज होता है, कितना तरह का,
दो तरह का एवरेज होता है बेटा, एक होता है सिंपल एवरेज। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। और एक होता है बेटा क्वेश्चन में वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज? एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में एवरेज कैसे निकलती है? मान लीजिए ये जो प्रॉफिट है, हम इसको मान लिए, ये मेरा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का है, इसको मान ले रहे P1। क्या मान ली? ये प्रॉफिट वन, ये प्रॉफिट टू, ये प्रॉफिट थ्री। समझ रहे हैं? ये प्रॉफिट वन, प्रॉफिट टू, प्रॉफिट थ्री। तो सिंपल एवरेज में कैसे करके एवरेज निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगी? सिंपल P1, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, कितना साल था? डिवाइडेड बाई थ्री। ये सिंपल एवरेज हो गया। तो जितना भी साल का प्रॉफिट रहेगा, उतना साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय थ्री। अगर कोई साल का लॉस रहा तो नेगेटिव, लेस कर देंगे। अगर सेकेंड ईयर का लॉस होगा तो क्या कर दोगे आप? लेस कर दो। ये ऐड, ये ऐड, ये लेस, लॉस को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेकिन ईयर कितना होगा? तीन होगा, ईयर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये सिंपल एवरेज जो कि इजी है। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, अपने लोग वेट लेते हैं, और वेट बेसिकली किसको मान लेते हैं? नंबर ऑफ इयर्स को। किसको मान लेते हैं? है ना? तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का? P1, ये फर्स्ट ईयर में था, इंटू वन, प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इंटू टू, प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट इंटू थ्री। समझ रहे हैं? और नीचे में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। ये वेटेड हो गया सर। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि ये जो मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था, इसको वेट दिया फर्स्ट ईयर से, इसको वेट दिया सेकेंड से, और इसको वेट क्या दिया? थर्ड से। अगर फोर्थ रहता तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट इंटू फोर्थ, फिफ्थ ईयर रहता तो इंटू फाइव, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? टोटल सम ऑफ वेट, डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ वेट। नहीं, अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वेट का मतलब क्या हो गया? आपने वेट थर्ड ईयर को ज्यादा दे रहे हैं ना सर, यही तो सबसे रिसेंट ईयर हुआ, तो जो रिसेंट रहेगा उसका वेट का क्या होगा? इंपैक्ट होगा ना सर। तो थर्ड ईयर का अगर ज्यादा वेट है, आपने इसको दे दिया, तो ज्यादा प्रॉफिट किसका बोलेगा? थर्ड ईयर का। क्लियर है? तो ये कब करेंगे? सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज कब करेंगे? अगर सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज अब तब करोगे जब क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा सर, क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा। एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सर। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये एवरेजिंग कब करोगे आप? जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया है तो एज पर क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना आपको? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं, तब कैसे समझेंगे सिंपल होगा कि वेटेड होगा? नहीं। तो यहां पर क्या करना है सर, आपको ट्रेंड देखना है। क्या देखना है? ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अगर अपवर्ड ट्रेंड रहा, क्या रहा? अपवर्ड ट्रेंड, या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड रहा। ट्रेंड का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? ट्रेंड का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट जो है ना, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो। जैसा हमारा प्रॉफिट जो था P1, P2, P3, राइट? P1 का प्रॉफिट था 10,000, P2 का प्रॉफिट जो है वो है 12,000, और P3 का प्रॉफिट वो 18,000 है। तो हमारा ट्रेंड कैसे हो रहा है? ट्रेंड हो रहा है ना सर। तो इसका मतलब ये जो मेरा करेंट ईयर वाला प्रॉफिट है उसका भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? तो इसलिए हमको वेट सबसे ज्यादा किसका देना है? फिर तो अगर वेट, अगर ट्रेंड है, अगर ट्रेंड है, तो हम वहां क्या अप्लाई करेंगे? वेटेड एवरेज।
ट्रेंड रहेगा तो क्या अप्लाई करेंगे, बेटर डेफिनेशन। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेंड, कोई ट्रेंड अगर नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे आप, सिंपल एवरेज। कोई ट्रेंड नहीं है मतलब P1 का प्रॉफिट था 10,000, फिर ये 8,000 हो गया, फिर ये 20,000 हो गया, तो ट्रेंड देख रहे हैं, कुछ ट्रेंड है क्या, बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहां पे कौन सा एवरेज ले लेना, सिंपल एवरेज। ठीक है, चीज समझ में आया, बोलिए। वेटेड एवरेज, अगर क्वेश्चन में बोला गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट किसको चेक करेंगे, क्वेश्चन, सेकंड वाला फिर किस क्या होगा, ट्रेंड। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन फॉलो करोगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया तो आप ट्रेंड को फॉलो करोगे। हो गया, हो गया सर। तो ये दोनों से अप्लाई करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, क्या निकाल लेंगे सर, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लोगे ना आप, एवरेज करके, एवरेज करके आ गया ना सर, समझ गए, ये निकाल लिए। अब ये तो मेरा करेंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट मेरे पास इतना आ गया ऑन द बेसिस ऑफ पास एक्टिविटीज। अभी क्या करना है, इससे लेस करना है एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, नहीं कुछ कुछ खर्चा ऐसा है कि देखिए तमाम खर्चा तो हम लोग ले लिए, लेकिन देर आर सम एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में इनकर होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इनकर होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, तो वो क्या करना होगा, लेस करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर बोलेगा प्रोपराइटर सैलरी, क्या बोलेगा, प्रोपराइटर सैलरी। स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि जो ओनर होता है ना वही काम करता है बहुत ज्यादा, नहीं समझे, जब तक उसका बिजनेस उस लेवल का नहीं चल जाता है तो 2-3 स्टाफ का काम बेटा वही करता है, किस लिए भैया, कॉस्ट बचाता है, नहीं समझे, माल धोना, माल लेके जाना, थोड़ा बहुत ही आपका मेहनत वाला काम सब वही करता है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको करना पड़ेगा बिकॉज काम क्या है जानने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस बड़ा होता है, तो वो जो पुराना काम करता था वो सारा काम अब वो नहीं करता है, वो काम करने के लिए वो किसको रखेगा, स्टाफ रखे, जी समझ में आया। तो वो जो खर्चा है प्रोपराइटर, जो अपना मैनेजर अपना सैलरी बचा रहा है, वो फ्यूचर में क्या होगा, लेस होगा। अभी तो वो सैलरी नहीं हो रहा है, अभी तो वो खुद ही मेहनत करके कमा ले रहा है, लेकिन एक ना एक दिन आने टाइम में तो ये खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रोपराइटर ओनर सैलरी क्या करते हैं अपने लोग, लेस करते थे, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये लेस करते हैं, ये लेस कर दिए, फिर इससे एक आइटम लेस होता है एक्सपेक्टेड टैक्स, कौन सा टैक्स, एक्सपेक्टेड टैक्स, पहले आपने टैक्स ऐड किया था फ्यूचर वाला, है ना, जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो गया था उसको ऐड बैक कर दिए थे, अब ये कौन सा टैक्स माइनस करेंगे, फ्यूचर का, अगर टैक्स का कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आप लेस करोगे, अदरवाइज लेस, ये लेस करके जो आएगा इसी को बोलते हैं सर एवरेज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसी से फिर नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, मैंने जो लिखा है वो काफी एग्जॉस्टिव है, ना ज्यादा नहीं रहता है, इजी समझिया रहता है, तो एक बार जो लिखा है 2 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, फिर हम बनाएंगे। पानी लाए भाई, ठीक।
भरोसा रख भाई, नहीं तो यहाँ आ जाएंगे। नहीं होता भाई, क्रिकेट बहुत खेले, अब खेलने को मर नहीं रहा। अब थोड़ा फिटनेस विटनेस करने के बाद में फुटबॉल फिर से खेलना चालू करेंगे भाई, बहुत दिक्कत है। फुटबॉल में कभी पांव तोड़ा है तोड़वाया है? टाइम तक ये फुटबॉल का क्रेज था भाई, क्लास 10 तक। वैसे ही होता, अभी तो सब मोबाइल पे ही खेल लेता भाई। सब मैराडोना मेसी सब मोबाइल पे, पाँव लगाएगा तो टूट जाएगा। स्टार्ट करें सर, पढ़ लीजिए। ऐसे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। स्टेप वन टोटल प्रॉफिट निकालना, बाय एडिंग ईच ईयर प्रॉफिट डिडक्टिंग लॉस, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया सर, हो गया। क्लास वर्क का एवरेज प्रॉफिट इलस्ट्रेशन नंबर वन, जल्दी द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, क्या लिखा हुआ है गौर से पढ़िए। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट टू इयर्स परचेज ऑफ लास्ट फोर ईयर एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट वेयर 40, 32, 15, 13 respectively. Find out the value of goodwill. Clear है? बनाएं? तो average profit सबसे पहले निकालिए। Question में कुछ बोला हुआ नहीं है, क्या मान लेंगे? Check करिए, trend है क्या? 40, 32, 15, 13. Trend है? अब आप लोग गौर से सुनिए, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं अपने लोग, ठीक है? लेकिन आपको जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेटेड नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेंगे, आंसर मैच नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिकली ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। आप लोग के लिए यही ऑप्शन है कि अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है वेटेड तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, सिंपल में ही उड़ा देंगे। समझिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए, कितना कितना था? 40, 32, 15,000, 13,000। कितना साल का है? 4 साल ना हुआ बे, वो तो 2 इयर्स मल्टीप्लाई होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कितना साल का प्रॉफिट लिया? एवरेज 4 साल का लिया तो डिवाइड पे कितना करेगा? कितना आ गया? कैलकुलेट करिए जल्दी। कितना रुपया? 1,00,000 से डिवाइड करिए, 1,00,000 ही होगा। 1,00,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया? ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया ना सर, देयरफॉर गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या बोला था? एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट? नंबर ऑफ इयर्स, और नंबर ऑफ ईयर में क्या लिखा था? 2 इयर्स परचेस, कितना साल? 2 इयर्स परचेस बोला था सर। तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट?
25,000 और नंबर ऑफ ईयर इनटू क्या होगा, 2 ईयर्स, कितना आ जाएगा, 50,000। आंसर ठीक है सर। इजी बिजी नंबर टू, इलस्ट्रेशन नंबर नंबर टू पढ़िए। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इज एग्रीड एज द वैल्यू ऑफ 3 ईयर परचेज, कितना ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना है और एवरेज आपको कितना साल का लेना है, लास्ट 4 ईयर का एवरेज लेना है सर। एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 ईयर दे दिया, 50,000, 80,000, थर्ड ईयर में 30,000 का लॉस है तो क्या होगा, लेस होगा, और 4 ईयर का कितना है सर, 60,000। समझ आ रहा है? तो ये सब में एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, जो लॉस है उसको क्या करना है सर, लेस करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर टू बनाएंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 50,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000, फिर ऐसे लिखेंगे प्लस ब्रैकेट 30,000, फिर 60,000। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय 4, 13 1 लाख, 1,60,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 40,000। आ गया दिया फॉर गुडविल। गुडविल कितना हो जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, तो ये कितना 40,000 है। नंबर ऑफ ईयर कितना साल बोला था, कितना आ जाएगा, 1,20,000। इजी बन जाएगा ठीक है। समझ में आ तो आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री पढ़िए। एवरेज प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। अमन परचेज भारत तेंदू बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2020। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। The profit of Bharat Hindu business for the last 3 years on 31st March where? ऐसे दिया हुआ है। 18, 19, 20, right? तो 2018 का 1 लाख है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? Abnormal gain include है सर, क्या है? तो abnormal gain क्या होगा? Less करना होगा। 2019 में 1,10,000 है। After charging abnormal loss, तो abnormal loss क्या है सर? Less किया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा? Add करना होगा। 85,000 में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या किया हुआ, ऐड किया हुआ है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्या किया हुआ, इनकम है ना सर, ऐड किया हुआ, तो क्या करना होगा, तो ये लेस करके सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद एवरेज करेंगे। चीज समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद लेस करेंगे। तो आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर थ्री। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री सर, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले क्या निकालना है, कंप्यूटेशंस ऑफ, अच्छा बैठने बोलो ना, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ठीक है।
अब यहां पे सर ईयर्स, ईयर्स क्या क्या गिवेन है देखिए, 2018, 19, 20, प्रॉफिट गिवेन, प्रॉफिट गिवेन, और यहां क्या होगा एडजस्टमेंट, और ये एड लेस करके क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एड लेस करके आ जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट गिवन कितना कितना दिया था, 1 लाख, 1,10,000, उसके बाद में कितना था सर, 85,000, ये हो गया। अब एडजस्टमेंट में ये क्या क्या करना है भाई साहब, फर्स्ट वाला में क्या बोला, एबनॉर्मल गेन 10,000 है, गेन क्या होता है, ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है, एड नहीं करना है, ऑलरेडी एडेड है, अपने को क्या करना है, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटाना अपने को, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, तो 1,00,000 माइनस 10,000 कितना बढ़ेगा, ये 90,000, ठीक है। दूसरा वाला, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 20,000, तो ये 20,000 लेस किया हुआ है, हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 20,000 ऐड होके कितना आ जाएगा, 1,30,000, ठीक है। लास्ट वाला, 5,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन क्या करना होगा, इसको लेस करना होगा, तो लेस करके कितना आ जाएगा सर, 80,000। क्वेश्चन में क्या बोला हमें, वेटेड या सिंपल कुछ बोला है, तो सिंपल मानते हैं, जोड़ लीजिए इसको कितना आ रहा, 8,9,17, 1,70,000, 3,00,000 रुपए। समझ में आया, देयरफोर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बाबू, 3,00,000 डिवाइडेड में कितना साल है, तो 1,00,000 निकल गया ना सर। समझ में आया, 1,00,000 निकल गया ना सर। अब गुडविल क्या बोला था, पढ़ो गुडविल क्या बोला था बताओ, एवरेज प्रॉफिट का कितना साल बोला था, 2 इयर्स, पढ़िए वहां पे से, 2 इयर्स परचेस कितना साल है, तो गुडविल इज इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई कितना होगा सर, हाँ तो लास्ट 3 ईयर का तो एवरेज निकाले आप, लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकाला, उससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेस, वही तो बढ़ेंगे, अंग्रेजी सर अंग्रेजी। कितना रुपया आ गया सर, निकल गया गुडविल, समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, सिमरन परचेज अनीता बिजनेस ऑन 1st April 2020, इज वाज एग्रीड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज, कितना साल है, तो नंबर ऑफ ईयर कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 3 साल, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 3, ये गिवन दिया रहता है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का करना आपको, ठीक है। तो अब ये जिस तरह से दिया हुआ वैसे ही करेंगे, ये तो अपने लोग इस तरह का फॉर्म में ले लिए, अब यहां तो 4 है ना सर, तो ये ईयर 18, 19, 20, 21 ऐसे करेंगे, मतलब ये जो था ये ऐसे हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में लिए। अब क्या बोला पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एसेट्स वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, किस साल का प्रॉफिट है, 17 का, तो कहां होगा, तो ये 10,000 रुपए यहां से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो 10,000 रुपए यहां से लेस कर देंगे, चीज समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018, अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड ₹30,000 वाज रिटेन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किस साल का प्रॉफिट है,
तो 2018 का 30,000 रुपया लेस कर दिया था ना, तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्या बोलकर, आप नॉर्मल लॉस बोलकर, समझ में आ रहा है। फिर ऑन 31 मई 2018 द फर्म एसेट्स वेर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योर्ड नहीं कर रहा, अब इंश्योरेंस प्रीमियम करना है, कितना रुपया, किस साल का प्रॉफिट है, इस साल का, ये किया नहीं है लेकिन करना है, ये किया नहीं है लेकिन करना है, तो क्या करना होगा, लेस करना होगा सर, ये लेस किया नहीं है, क्या लिखा हुआ है, फर्म का एसेट इंश्योर्ड नहीं था, अब करना है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे 10,000 रुपया, कितना रुपया, 10,000, ठीक है। ये खर्चा देखिए क्या लिखा हुआ, वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रुपया था, 10,000, मतलब उसने इसको लेस नहीं किया है, अरे ये तो ऑपरेटिंग है सर, नॉन ऑपरेटिंग हटाना है तो ऑपरेटिंग तो लेस करना है, ये तो ऑपरेटिंग खर्चा है लेकिन उसने लेस, तो लेस कर देंगे 10,000 रुपये। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या क्या आंसर होगा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल कर लेंगे, निकाल के देखो कितना आ रहा है, 70,000 प्लस करो 1,90,000 प्लस करो 1,70,000 प्लस करो 2,20,000, समझ में आ रहा है, ये 80,000, 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एवरेज निकल गया, एवरेज निकल गया इनटू कितना इयर्स, 3 इयर्स जोड़ दीजिए, वही आना चाहिए, ठीक है। 500 कैसे आएगा बे, 80,000 90,000 माइनस 10 है 80,000, और वहां 1,60,000 प्लस 30,000 1,90,000, 80,000 प्लस 90, 1,90,000 कितना हो गया, 2,70,000 प्लस वहां 1,70,000 रुपये, 4,40,000 प्लस 2,20,000, 6,60,000 डिवाइडेड बाई 4, सही से जोड़िए, डिवाइडेड बाय 4 आ गया बेटा, तुम लोग टेंशन दे देते हैं,